फ्रेंड्स ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज गुरुवार सकाळ रो किछि ताजा खबर फटाफट देखि नियंतु। कोरोना रे मृतकंको क्षतिपूरण नै सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय, समस्त मृत्यु को चिकित्सा अवहेला बोली कहि हेबो नाही। कोरोना रे द्वितीय तरंग रे होइतिबा मृत्यु को नै सुप्रीम कोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण राय देइछंती। एही राय रे कुहा जायछि जे द्वितीय तरंग रे कोरोना कारण रो होइतिबा समस्त मृत्यु को चिकित्सा अवहेला बोली कहि हेबो नाही। बुधवार सुप्रीम कोर्ट कहिछंती जे महामारी रो द्वितीय तरंग समय रे कोविड 19 जोगु होइतिबा समस्त मृत्यु अवहेला कारण रो होइछि बोली कुहा जाई पारिबो नाही। चिकित्सा अवहेला जोगु मृतकंक संपर्कियंकु क्षतिपूरण देबाकु होइतिबा एक याचिका को खारज करी कोर्ट एहा कहिछंती। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ एवं जस्टिस हिमा कोहलीक खंडपीठ आवेदनकारी दीपक राज सिंह को कहिछंती जे निजरो आवेदन नै दक्ष अधिकारी निकट को जांतु। सुप्रीम कोर्ट रो बेंच कहिछंती जे कोविड 19 कारण रो होइतिबा प्रत्येक मृत्यु चिकित्सा अवहेला जोगु घटिछि बोली कहि हेबोनी। परवर्ती टी हला 11 रे बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप बढ़िबो वर्षा। गत 6 तारीख रे बंगोपसागर रे होइतिबा लघुचाप कारण रो राज्य रे भलो वर्षा होइतिला। तेबे आसंता 11 तारीख रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र हेबार संभावना रहिछि। सृष्टि हेबार 24 घंटा मधरे एहा आहुरी घनीभूत हेबो बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। एही लघुचाप प्रभाव रे ओडिसा समेत केतेक राज्य रे भलो वर्षा हेबार संभावना रहिछि। चलित वर्ष जुलाई ओ अगस्ट मास रे नियंटिया वर्षा जोगु ओडिसा समेत केतेक राज्य रे मरुडी परिस्थिति सृष्टि हेबार आशंका देखा देछि। अगस्ट शेष सुधा वर्षा नियंट परिमाण 24% थिला, किंतु चलित सेप्टेम्बर मास रे भलो वर्षा कारण रु वर्षा नियंट परिमाण कमिबार आशा देखा देछि। परवर्ती टी हला मात्र गोटिए क्लिक रे घरे पहुंचि जिवो एम्बुलेंस। ओडिया युवकंक अभिनव आप। घरे हठात कौनसी परिवार सदस्यंक देह खराब होइगले बा परिवारर कहार दुर्घटना होइगले आपणंकु एम्बुलेंस टी आवश्यक पड़िथाय। किभळी परिवार सदस्य शीघ्र मेडिकल रे पहुंचिबे से नै आपण चिंता रे पड़ि जांती। आउ आपणंकर एभळी घड़ी संधि मुहूर्त रे एम्बुलेंस मालिक माने मन इच्छा मूल्य मध्य कहिथांती। तेबे ए सबरु निस्तार देबा पई एबे भुवनेश्वर 6 जण सांग मिसी प्रस्तुत करिछंती एक अभिनव आप। एही आप माध्यम रे व्यक्ति मात्र गोटिए क्लिक रे एम्बुलेंस बुकिंग करिबा सह एम्बुलेंस रो मूल्य बाबद रे मध्य जानि परिबे। ओडिसा रे भुवनेश्वर रे प्रथम थर पई मो एम्बुलेंस नाम रे आप प्रस्तुत करिछंती दीप्ति सुंदर महांती ओ तांको सहयोगी। दीप्तिंक कहिबा कथा जे गत वर्ष कोविड समय रे लोकंक पाखरे एम्बुलेंस अभाव सांगकु एम्बुलेंस मालिकंक मन इच्छा मूल्य को देखि से एभळी एक आप बाबद रे चिंता करथिले। उन्नत मानर एम्बुलेंस उचित मूल्य ओ सठिक समय रे एम्बुलेंस किभळी पहुंच पारिबो ताहाकु गुरुत्व दिया जायछि। परवर्ती टी हला चिलिका विधायक प्रशांत जगदेवंक विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान नेले बीजेडी सुप्रीमो दलरु निलंबित। बीजेपी कर्मीक माड़ मारिबा खोर्धा जिला चिलिका विधायकंक पई महंगा पड़िछि। विधायक प्रशांत जगदेवंक विरोध रे बिजु जनता दल कड़ा कार्यानुष्ठान नेइछि। बीजेडीरु प्रशांत निलंबित होइछंती। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक तांकु दलरु निलंबन करिछंती। खोर्धा एनएससी कार्यालय परिसर रे गतकाली प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड बंटन बेले चिलिका विधायक प्रशांत जगदेव और बीजेपी बालुगा नगर मंडल सभापति निरंजन सेठी मध्य मारपीट होता। घटन बीजेपी पक्ष प्रशांत जगदेव विरोध में थाना लिखित अभियोग गिरफ दावी थाना आगे धारणा बसी। परवर्ती टी है गणेश पूजा शुक्रवार बंद रही श्रीमंदिर। जगा दर्शन कोहल हो श्रीमंदिर कटक एणिकी सप्ताह को 6 दिन कालिया दर्शन करिपारिबे भक्त। सानिटाइज पे केवल रविवार को छाड़देले अन्य सबुदिन श्रीमंदिर भक्तों पर खोला रहिबो। तेबे आसंता 13 तारीख रु एही गाइडलाइन श्रीमंदिर रे पालन करा जिवो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। अन्यपटे आसंता गणेश पूजा दिन शुक्रवार थिले मध्य श्रीमंदिर भक्तों पर बंद रहिबो। ता पर दुई दिन अर्थात शनिवार और रविवार मध्य पूर्व नियम मुताबिक
ମୁତାବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ଲାଗୁ କରାଯିବ। 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ରବିବାର କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବଦଳରେ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା ଦେଖି ଦର୍ଶନ ଅବଧିକୁ ଆହୁରି 2 ଘଣ୍ଟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 574 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 205। ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣରୁ 574 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 205 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9,49,165 ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 50 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ 36, ବାଲେଶ୍ୱର 31, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 28, ପୁରୀ 21, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 20, ଅନୁଗୁଳ 17, ଢେଙ୍କାନାଳ 14, ସମ୍ବଲପୁର 12, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ 11 ଲେଖାଏଁ, ରାୟଗଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ରୁ 9 ଲେଖାଏଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 8, ଭଦ୍ରକ ନୟାଗଡ଼ରୁ 7 ଲେଖାଏଁ, ଗଞ୍ଜାମ 6, କନ୍ଧମାଳ 5, ବରଗଡ଼ 4, କୋରାପୁଟ 3, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର 2 ଓ ରାଜ୍ୟପୁରରୁ 48 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ପାରିତ ହେଲା 4ଟି ବିଲ୍। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ 4ଟି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦିନ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହରେ ଗତକାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଘେରିଥିଲେ। ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚେୟାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଘେରାଉ ଯୋଗୁଁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବଦଳରେ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗୃହରେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାଇବେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପାଇବେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ 6 କୋଟି ଦେବେ ସରକାର। ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ସରକାର ଚେକ୍ ଦେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି। ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଓ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ 6 କୋଟି, ରୌପ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ 4 କୋଟି ଓ କାଂସ୍ୟ ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ 2.5 କୋଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ହକି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ରବି ଫସଲର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2022-23 ମାର୍କେଟିଂ ଋତୁ ପାଇଁ ରବି ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫସଲ ବିବିଧିକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମସୁର ଡାଲି ଓ ସୋରିଷର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ମସୁର ଡାଲିର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5,500 ଟଙ୍କାକୁ ଓ ସୋରିଷର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5,050 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗହମର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 40 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,015 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବୁଟର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 130 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 5,230 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାର୍ଲିର ଏମ୍ଏସ୍ପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 35 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ସହ 1635 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶୈଳୀକୁ ନେଇ କର୍ମଶାଳା, ବର୍ଷକୁ 6ଟି ପରୀକ୍ଷା, 4ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା, 2ଟି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, କେତେ ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶୈଳୀ କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 6 ତାରିଖରୁ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ
3 दिनिया कर्मशाला आरंभ होइछि। एथिरे राज्यर 30 जिल्लारु मोट 96 जन वरिष्ठ शिक्षकक समेत 10 जन रिसोर्स पर्सन अंश ग्रहण करिछन्ति। प्रथम दिनरे ओसेपा प्रकल्प निर्देशक अनुपम शाह कर्मशालाकु उद्घाटन करि परवर्तित परीक्षा ढांचा विषयरे सूचना देइथिले। एही कर्मशालाकु बोर्डर उपसभापति डॉक्टर निहार रंजन महांती परिचालना करुछन्ति। प्रथम दिनरे फॉर्मेटिव 3 विषयरे प्रशिक्षण दिया जायथिबा बेले द्वितीय दिनरे फॉर्मेटिव 1 ओ 4 विषयरे प्रशिक्षण दिया जायछि। आजि उद्यापनी दिवसरे फॉर्मेटिव 2 विषयरे प्रशिक्षण दिया जिवो। परवर्तित हेला आईसीसी T20 विश्वकप पै घोषणा हेला भारतीय दल। जानंतु विश्वकप खेलिबे केउ केउ खेलाड़ी। क्रिकेट प्रेमीक पाई बड़ खबर। आईसीसी T20 विश्वकप पाई दल घोषणा करिछि बीसीसीआई, जेउथिरे विराट कोहली को नेतृत्व भार दिया जायथिबा बेले रोहित शर्मा को उप अधिनायक दायित्व दिया जायछि। अन्यपटे विश्वकप रे भारतीय क्रिकेट दल पूर्वतन अधिनायक महेन्द्र सिंह धोनी मेन्टर भाव दायित्व तुलाइबे बोली बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह सूचना देइछन्ति। जानंतु दल रे शामिल अछन्ति केउ केउ खेलाड़ी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, राहुल चहर, आर अश्विनी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सामी। अन्यपटे युव खेलाड़ी श्रेयस आयर, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर को स्टैंड बाय खेलाड़ी भाव दल में रखा जाएगी। परवर्ती है कला पथर खादन सुरक्षा पर जनस्वार्थ मामला करुवक आक्रोशर शिकार, बिना सर्च वारंट गिरफ्त कर पुलिस। जाजपुर जिला धर्मशाला तहसील राहाड़पुर कला पथर खादन गुड़िकर सुरक्षा पर जनस्वार्थ मामला करिथिबा युवक राजस्व अधिकारी आक्रोशर शिकार। रंफेई गांव रो बलदेव राउतों घरे बिना सर्च वारंट रे खान तलाश करिबा सह तांकु गिरफ्त करिछि जेनापुर पुलिस। मिथ्या मामलें फसाई देवाई तहसीलदार षड्यंत्र परिवार लोक अभियोग करिछन्ति। धर्मशाला तहसील अंतर्गत राहाड़पुर पहाड़ केतेक कला पथर सैरात को लीज दिया जायथिबा बेले अवशिष्ट को माफिया माने लुटी नेउछन्ति। वागन ड्रिल सांगो को ब्लास्टिंग जोगो चाष जमी प्रभावित होउछि। एने स्थानीय अंचल बलदेव राउत, विपिन मल्लिक और अन्य दुई जन हाईकोर्ट रे जिलापाल और राजस्व विभाग को पक्षभुक्त कर जनस्वार्थ मामला रुजु करिथिले। परवर्ती हेला गणेश पूजा रे नामांकन पत्र दाखल करिवे ममता। शुभेंदु कहिले लड़े पई बीजेपी प्रस्तुत। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आसंता सेप्टेम्बर 10 अर्थात गणेश पूजा रे नामांकन पत्र दाखल करिवे एने सूचना देइछन्ती ममता। एहा सह ममता कहिछन्ती बानीपुर विधायक जितिथिबा शोभन देव चट्टोपाध्याय एबे खोरदाह आसन रो निर्वाचन लड़िबे। ममतांक पई शोभन भवानीपुर आसन रो इस्तफा देइथिले तेबे ममता सरकार रे शोभन मंत्री रहिबे। अन्यपटे ममतांकु नंदीग्राम आसनरु पराजित करिथिबा विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी मध्य उपनिर्वाचन पै प्रस्तुत थिबा कहिछन्ती। उपनिर्वाचन रे सीपीएम कांग्रेस भली दल प्रार्थी न देले भी कोनोसी फरक पड़िबोनी बोली कहिछन्ती शुभेंदु, कारण एठारे बीजेपी ओ टीएमसी मध्यरे फाइट हेबो बोली कहिछन्ती शुभेंदु। एहा छडा भोटर आम सह रहिछन्ती, जे भी प्रार्थी हुवंतु दल लड़िबा पै पूरा प्रस्तुत बोली शुभेंदु कहिछन्ती। परवर्तीटी हला विधानसभा सम्मुखरे विष पीले बड़ मेडिकल रे आखि बुझी। विधानसभा आगरे आत्महत्या उद्यम करिथिबा युवक दुष्मंत दासंकर गतकाली कटक बड़ मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्यु घटिछि। से गतकाली विधानसभा आगरे हातकाटी ओ विष पी देइथिले। चिकित्सा अवहेला अभियोग आनी आत्महत्या उद्यम करिथिले। बीएसकेवाई कार्ड ग्रहण हेउनथिबा ओ एससीबी रे चिकित्सा हेउनथिबा अभियोग आनीथिले दुष्मंत। राज्यर सबुठारु बड़ मेडिकल करिथिला बड़ भूल। अभियोग रु प्रकाश गत 2020 मार्च 22 तारिख रे सड़क दुर्घटना रे जगत सिंहपुर जिला कुजंग अंचल दुष्मंत बाम गोड़ रे गभीर आघात लागिथिला। सेतिपे से बड़ मेडिकल रे भर्ती होइथिले। डाक्तरंक परामर्श अनुसार मार्च 23 तारिख रे तांकर प्रथम ऑपरेशन होइथिला। 2020 जून 19 तारिख रे दुष्मंत द्वितीय ऑपरेशन करा जायथिला। एहा परे 2020 जुलाई 15 तारिख रे कोरोना संक्रमण रो आळो देखाय तांकु घर को पठाई दिया जायथिला। ता परठु अवहेला करा जाउथिला। तेनु से चिकित्सा पई मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव ओ एससीबी सुपरिटेंडेंट को चिठी लेखि गुहारी करिथिले। हेले सबु आडु तांकु निराश हेबाकु
पड़ा। आेष से कौन उपाय नपाई से गतका आत्महत्या उद्यम कर चिटफंड दुर्नीति मामलें टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को सीबीआई समन। दुर्नीति अभियोग में ममता आउ जड़े नेता समन कला टीएमसी। आईकोर्ट चिटफंड दुर्नीति अभियोग में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को समन कर केन्द्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई। सेप्टेम्बर 13 तारीख में कोलकाता सीजीओ कम्प्लेक्स सीबीआई ऑफिस रे हाजर हेबाकु पार्थ को समन करिछि सीबीआई। अभियोग अनुसार लोकों टंका ठकी नहीं आयकोर कंपानी केतेक कार्यक्रम पार्थ चटर्जी को देखा जाय छि। तेणु चिटफंड दुर्नीति रे पार्थ लिंक थाईपरे बोली सीबीआई संदेह करुछि। एहा पूर्वरु मध्य मार्च मासरे पार्थ को पचराउचरा करबा सह तांको बयान रेकर्ड करथिला केन्द्रीय तदंतकारी संस्था।